हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन किड्स मॉडल्स के बारे में। आपने बहुत सी किड्स एजेंसीज के किड्स मॉडल एजेंसीज के ऐड देखे होंगे जहां आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, और वहां आपने दोस्तों अच्छे अच्छे पोस्टर्स देखे होंगे, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, या आप जो भी सोशल मीडिया पर हैं वहाँ बहुत सारे आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जहाँ आपने देखा होगा कि आप भी आपके बच्चे को बना सकते हैं मॉडल, और अब आप आपके बच्चे से करवा सकते हैं मॉडलिंग। तो दोस्तों, कहाँ से ये चीज़ शुरू होती है, कैसे किड्स कास्टिंग एजेंसीज काम करती हैं, कैसे अमेज़ॉन पे आपके बेबी का शूट होता है, इसके चार्जेस क्या रहते हैं, इसमें आपके बच्चे का फ्यूचर क्या है, ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और भी दोस्तों, मैंने किड्स मॉडलिंग से रिलेटेड, स्पेशली ये जो किड्स कास्टिंग कंपनीज़ हैं, ये किस तरह किड्स को मॉडल बनाने के लिए ऑफ़र करती हैं, तो वो सारे इसके डिटेल मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोज़ में शेयर किए, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज के दोस्तों, हमारा जो वीडियो वो डेडिकेटेड है स्पेशली कास्टिंग कंपनीज़ में, कैसे ये अमेज़ॉन पे शूट करवाते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है ज़्यादातर 90% फैमिलीज़ में, कि आपको आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ऐड दिखेगा और वहाँ आपको ये मिलेगा लिखा हुआ कि आप आपके बच्चे को बना सकते हैं मॉडल, अब आपका बच्चा भी कर सकता है मॉडलिंग, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो दोस्तों, वहाँ पे आप इंटरेस्टेड लिखोगे या रजिस्ट्रेशन करोगे, वॉट एवर प्रोसेस आप जो भी करोगे, उसके बाद दोस्तों उनका इंस्टेंट रिप्लाई आता है। आप अगर आपका नंबर शेयर करते हो तो नंबर पे आता है, मेल आईडी देते हो तो मेल आता है, जैसे भी दोस्तों आप उनको अपना कॉन्टैक्ट देते हो, कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी देते हो एड्रेस, वहाँ आपको रिस्पॉन्स आता है 100%। दोस्तों, जो भी इस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं उन सबको रिप्लाई आता है। सबसे पहला उनका मैसेज होता है दोस्तों, या मेल जो भी है उसमें वो लिखते हैं, आप आपके बच्चे के बिना एडिट किए हुए 5 से 6 फ़ोटोज़ भेजिए, या फिर 3 से 5 फ़ोटोग्राफ्स भेजिए। फिर दोस्तों, आप फ़ोटोग्राफ्स भेजते हैं, उसके बाद वो आपको मैसेज करते हैं विद इन 24 आवर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कई कंपनीज 48 आवर्स में भी करती है, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों, आप खुश हो जाते हो, आपको लगता है कि वाओ, हमारा बच्चा इतना अच्छा लग रहा है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसमें 100% जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं उन सबको ये लोग लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एक प्राइमरी प्रोसेस है जिसमें सारे बच्चों को ये कंपनीज यही मैसेज करती हैं, यानी कि सारे बच्चों के पेरेंट्स को। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं कि आपको बुलाते हैं एक एड्रेस पे जहां आपका अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाता है। अब दोस्तों, एक किड्स कास्टिंग जो कंपनीज़ हैं, ये दो तरह से काम करती हैं। आपसे फ़ोन पे भी ये बात करेंगे, आपको अच्छे से पूरा प्रोसीजर समझाएंगी। आपको दोस्तों फ़ोन किसी भी बड़े शहर से, जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, गुड़गांव है, आपके आसपास जो भी मेट्रो सिटी पड़ेगा वहाँ से आ सकता है। बाकी दोस्तों, 90% ये जो कास्टिंग कंपनीज़ हैं, किड्स कास्टिंग कंपनीज़, इनके ऑफिसेज अब छोटे छोटे शहरों में खुल चुके हैं, जैसे कि इंदौर हुआ, जयपुर हुआ, पुणे हुआ, यानी कि इन सिटीज़ को हम छोटा नहीं बोलेंगे, भोपाल हुआ, लेकिन जो बड़े सिटीज़ थे पहले 4-5, उनके अलावा भी अब इस तरह के सिटीज़ में ये इस तरह की कंपनीज़ के सारे सिटीज़ में ऑफिसेज खुल चुके हैं। तो आपके सिटी में, आपके ऑफिस में ये बुलाते हैं, अपनी ऑफिस में इनका अच्छा सा एक ऑफिस होता है, जो किसी भी मॉल में या इस तरह से एक अच्छे अपार्टमेंट में लिया हुआ होता है, बना हुआ होता है। उसके बाद दोस्तों, आप वहाँ जाते हो। अब दोस्तों, दो तरह की कंपनीज़ होती हैं, मैं नाम नहीं लूँगी। कुछ कंपनीज़ क्या होती हैं, आपको शुरुआत में ही 2000 रुपये के आसपास का रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। उसके बाद दोस्तों, वो गारंटी देती है कि आपके बच्चे के जो भी फ़ोटोज़ वहाँ खींचेंगे वो अमेज़ॉन पे पब्लिश होंगे। कपड़े वो खुद देते हैं दोस्तों, कपड़े में कुछ नहीं, आपको पूरे कपड़े बच्चे को खुद ही पहना के ले जाना है। 90% वो आपको एक टी शर्ट देंगे और उससे जस्ट आपको फ़ोटोज़ करवाना है, यानी कि बच्चे का जो टी शर्ट के नीचे का लोअर है वो आपका खुद का ही होगा, बच्चे का जो फुटवियर्स हैं वो भी आपके होंगे, बस वो एक टी शर्ट पहनवाते हैं और उसको बच्चे का बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करते, हल्का सा फाउंडेशन या कॉम्पैक लगाते हैं, हेयर ठीक करते हैं, और उसके बाद दोस्तों वो आपके बच्चे की फ़ोटोज़ लेते हैं। जो कंपनीज़ दोस्तों 2000 आपसे लेंगी, वो आपके बच्चों को अमेज़ॉन पे एक लिंक देंगी 7-8 दिन बाद, जिसमें आपके बच्चों को टी शर्ट में पहना हुआ लिंक जनरेट हो जाएगा और वहाँ पे आपके बच्चे के कुछ दिन फ़ोटोज़ दिखेंगे। ज़रूरी नहीं है दोस्तों, अमेज़ॉन की ऑफिशियल साइट्स पे बहुत से लोगों को ये नहीं दिखा है, हमें तो दिखा था हमारी बेटी का, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी दिखता है, लेकिन वो जो लिंक देते हैं वहाँ से तो सबको अपने फ़ोटोज़ दिखते ही हैं। बस दोस्तों, ये 2000 रुपये का तो सिर्फ यही काम होता है, 5 फ़ोटोज़ 7 दिन बाद आपके बच्चे के अमेज़ॉन पे दिखेंगे। उसके बाद दोस्तों शुरू होता है असली काम।
हाँ दूसरी कंपनीज होती है वो सिर्फ आपसे 100 रुपये चार्ज करती हैं, आपके बच्चे को फ़ोटो लेती हैं और वो आपको अमेज़ॉन पे फ़ोटो पब्लिश नहीं करेंगी, वो सिर्फ ये बोलेंगी अगेन कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, आपका बच्चा कैमरा फ्रेंडली है, अब आप आपके बच्चे के लिए पैकेज लीजिए। दोस्तों 100 रुपीज़ वाली कंपनी सिर्फ इतना डिफरेंस रखेगी कि वो आपके अमेज़ॉन पे फ़ोटो नहीं पब्लिश करेगी और वो सिर्फ आपको वहाँ कहेगी कि अब आप हमारा पैकेज लीजिए। जो कंपनी 2000 रुपीज़ लेती है वो सिर्फ ये कहती है कि हमने आपके बच्चे के 3-4 फोटोज़ अमेज़ॉन पे पब्लिश करवा दिए हैं, अब आप आपके बच्चों के लिए पैकेज लीजिए। पैकेज दोस्तों ये दो तरह से आपको देंगे। पहला तरीका तो इनका ये है कि ये बोलेंगे आपके बच्चे का सबसे पहले आप करवाइए पोर्टफोलियो शूट, जो कि दोस्तों 15,000 से लेकर 50,000 या 75,000 तक हो सकता है। दूसरा दोस्तों ये फिर पोर्टफोलियो शूट में कई बार तो दोस्तों ये 5 ऑफर्स आपको दे देते हैं, जैसे महंगा आपने शूट लिया है यानी कि 75 या 50K का आपने पैकेज लिया है तो उसमें ये आपको बोलेंगे कि हमें कुछ तो इसमें पोर्टफोलियो शूट के पैसे ले रहे हैं और बाकी आपके बच्चे को 1 साल में 5 ऑफर आपको बच्चों को हम दिलाएंगे, जिनमें 3 तो दोस्तों अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट या इन पे आपके बच्चे के फ़ोटो शेयर करवा देंगे, बाकी आपके बच्चे की डेस्टिनी है कि उसको किसी मूवी का या सीरियल का ऑफर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसकी रियलिटी ये है कि हजारों लाखों बच्चे वहाँ रजिस्टर होते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और लाखों में से दोस्तों शायद ही एक आध बच्चे को वेब सीरीज़ या मूवी या सीरियल का मौका मिलता है, बाकी दोस्तों ये शूट करवा के आपके बच्चों को बस ये शूट करवा देते हैं। मुझे तो दोस्तों अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जो इन किड्स कास्टिंग कंपनी से आगे बढ़ा हो और मूवीज़ में आ रहा हो। ये दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये स्कैम है, ये बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन दोस्तों अगर आप बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, बहुत सारा पेशेंस रख सकते हैं और उसके बाद भी आप डेस्टिनी पे छोड़ सकते हैं तो ये शूट करवाएं, तो ही दोस्तों आप ये पैकेज लें, क्योंकि दोस्तों ओवरऑल बहुत खर्चीला चीज़ है। अगर आप आपके बच्चे को मॉडल बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में दोस्तों आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बहुत ही रेयर में से रेयर एक आध बच्चा होगा जिसको शुरुआत में ही 50,000 या 75,000 का पैकेज लेने के बाद मूवी ऑफर मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ऑडिशन होते हैं, बहुत सारी इनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और गारंटी तो बिल्कुल नहीं होती दोस्तों, बहुत कम परसेंट चांसेस होते हैं सक्सेस के। तो दोस्तों अब आपको सोचना है आपको कि अगर आप आपके बच्चे को मॉडल बनाने का सोच रहे हैं तो दोस्तों लाखों रुपये आपको इसमें खर्च करने हैं और दोस्तों इसके साथ ही बच्चे की फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। तो आप अगर इस तरह से बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, बच्चों को आप जगह जगह ऑडिशन के लिए ले जा सकते हैं, तो दोस्तों आप इसमें ट्राई कीजिए। अदरवाइज़ दोस्तों बिल्कुल भी 2,000 या 20,000 रुपये खर्च करने से आपका बच्चा मॉडल नहीं बनेगा। दोस्तों मैंने खुद ने मेरी बेटी का शूट करवाया, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ मैं, किसी भी कंपनी को यहाँ पे क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन दोस्तों रियलिटी यही है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरीके एक और नई वीडियो के साथ।